हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल अन्नपूर्णा किचन। आज हम सिरका वाले प्याज बनाएंगे जो रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। आइए अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने छोटे प्याज लिए हैं, अदरक, हरी मिर्च, एक बीट लिया है, सिरका लिया है, शक्कर ली है, लौंग ली है, ब्लैक पेपर लिया है और सॉल्ट लिया है। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। गैस चालू कर दिया और मैंने ये बर्तन लिया है, इसमें मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया है। अब इसमें हम लौंग और ब्लैक पेपर डाल देंगे। एक चम्मच मैंने शक्कर ली है और एक चम्मच नमक है। नमक और शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो। एक बार ये पानी उबल जाए तब तक हम ये प्याज काट लेते हैं। अब हम प्याज काट देते हैं। हमें काटना नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे बस इतना सा ही हमें ये करना है, पूरा नहीं काटना है, सिर्फ आधा। तो पूरा सिरका अच्छी तरह से अंदर चला जाए और प्याज अपने अच्छी तरह से खट्टे हो जाए, ऐसे ही सिर्फ हम इतना सा ही काटेंगे। अब हम बीट काट लेते हैं। इस तरह से ये बीट बहुत अच्छे लगते हैं जब सिरका में, वो बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं। इस तरह से सारे बीट हम काट लेंगे। अब हम अदरक, जो हमने अदरक लिया है वो काट लेते हैं। ये पीस भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये सारी फ्लेवर ऑनियन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। आइए अब हम सारी हरी मिर्च भी काट लेते हैं इसी तरह से। देखिए हमारा पानी उबल चुका है। अब इसी समय हम ये बीट जो हमने काट के रखे वो इसमें डाल देंगे। और 2 मिनट इसे उबलने देंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। देखिए अब अच्छी तरह से उबल चुका है पानी हमारा। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये पानी को ठंडा होने देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए अब ये पानी ठंडा हो चुका है। अब मैंने ये जार लिया है, अच्छी तरह से धो के सुखा दिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब ये अदरक के पीस जो काट के रखे थे वो डाल देंगे। जो हरी मिर्च हमने काटी है वो डाल देंगे। अब ये पानी हम इसमें डाल देंगे। बीट के पीस भी सारे अंदर चले जाएंगे। अब इसमें हम सिरका डाल देंगे, एक बाउल जो मैंने लिया है। अब हम ये ढक्कन लगा के रख देंगे। ये 24 घंटे आप ऐसे ही बंद रखिए उसको, बाद में आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए हमारे सिरका वाले प्याज बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।